हेलो, कैसे हो सब लोग? अच्छा, अभी हमने एक ऑफिस और किया है जो लोअर परेल में है, उर्मी सुधा स्टेट बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। यहाँ पे हमें एक ऑफिस का काम करने का मौका मिला और इन्होंने इलस्ट्रेशन थीम लिया था। इलस्ट्रेशन मतलब जिसमें ब्लैक कलर का स्केच टाइप का काम ज़्यादा होता है और कलर का काम बहुत कम होता है। जैसे ये वाला रूम है, ये लंदन के हिसाब से है, लंदन थीम है इसमें, क्योंकि यहाँ पर रेड फर्नीचर और कारपेट है, इसलिए हमने इस पर रेड कलर का टेलीफोन बूथ और रेड कलर की लंदन बस बना दी है, और थोड़ा विंटेज लुक देने के लिए तो ये थीम बनाया है। ऐसे यहाँ पे पूरे 9 कैबिन है ऐसे, तो हर कैबिन के बारे में आपको बताता हूँ। और एक ये रूम है डसलडॉर्फ, जर्मनी का एक शहर है। अच्छा है, तो वहाँ की कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और ये स्केच बनाया है। इसका भी जैसे ही मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से है, ऑरेंज कलर का ये बना है टेबल, उसके हिसाब से हमने थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर दिया है, ज़्यादा कलर नहीं है इसमें, थोड़ा सा ऑरेंज कलर है जस्ट, ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट थीम रहेगा। अभी ये नेक्स्ट रूम है, ये आपको एफिल टावर देख के पता चल ही गया होगा, ये पेरिस का थीम है, ठीक है। और इसमें हमने एक पेरिस की गली दिखाई है, थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव मूड में, और कैबिन थोड़े छोटे हैं और बहुत बड़े कैबिन नहीं है, तो प्रोस्पेक्टिव जो मूड है वो जो डेप्थ होती है वो इतनी नजर नहीं आती है। तो ये बनाया हमने एफिल टावर, ये कलर की पेरिस की स्ट्रीट है। इसमें येलो का कॉम्बिनेशन था, तो थोड़ा थोड़ा येलो ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा कलरफुल किया है, जैसे कस्टमर की चॉइस होती है हम वैसे ही करते हैं, जैसे कस्टमर हमें कहता है। अभी मैं अगला रूम आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए आप अच्छी तरह। अभी ये रूम है आमची रूम है, इसमें हमने ताज होटल, ब्यूटी स्टेशन और गेट ग्रुप इंडिया, जो कि हमारे बॉम्बे की शान है, सभी बनाए हैं। इसमें हमारी बॉम्बे की टैक्सी भी बनाई है, बॉम्बे की लोकल ट्रेन भी बनाई है, BST बस भी बनाई है, और हमारी शिप भी बनाई है जो कि चलती है हमारे। ओके, तो ये रूम है शिकागो बीन्स भी हमने बनाया है स्पेशल, वो भी अच्छे फाइन आर्ट इफेक्ट के साथ। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है क्योंकि इलस्ट्रेशन इतना डिटेलिंग होता नहीं है, लेकिन हमने अपना बेस्ट बनाने की कोशिश की है। ये शिकागो की मशहूर बीन है, शिकागो बीन काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी पॉपुलर है। यस, और ये बिल्डिंग्स है और येलो का जैसे कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे येलो येलो टू बिल्डिंग बना रही है। और ये शिकागो लाइब्रेरी है, ये भी दिखाएं प्लीज, ये वाली, ये वहाँ की पॉपुलर बिल्डिंग है शिकागो लाइब्रेरी, तो ये भी हमने बनाई है। ऐसे सभी थीम बनाए हैं, शिकागो, न्यूयॉर्क, मैं आपको दिखाता जाता हूँ। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट रूम है ओपेरा हाउस सिडनी, तो ये रूम भी हमने बनाया है, इसमें वो सिडनी का ब्रिज है फेमस, ओपेरा हाउस है, और बिल्डिंग्स है वहां की, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज में ज्यादातर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही होती है। ओके, तो हमने वो चीज़ें सब कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हमने कुछ इफेक्ट्स भी दिए हैं, आप अगर इन इफेक्ट्स के बारे में नोट करेंगे तो ये इफेक्ट्स से थोड़ी सी आगे पीछे की जो फील होती है वो नजर आती है। ये ऑरेंज थीम था इस रूम में, तो हमने इसमें ऑरेंज का इफेक्ट दिया। जैसे जैसे रूम के कारपेट और फर्नीचर है उस हिसाब से ही पेंटिंग में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दिया गया है। ये सिडनी है ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट रूम में। ओके, और ये एक रूम है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगा, जिसको पता है उसको पता चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगा। ये काफ़ी मशहूर शहर है, काफ़ी मशहूर सिटी है आई थिंक, और इसमें फुटबॉल बहुत खेलते हैं, ये फुटबॉल के लिए काफ़ी पॉपुलर है, और ये वो फुटबॉल का स्टेडियम है, उसका स्केच है, और ये वहाँ की मशहूर बिल्डिंग्स हैं जो वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। ये काफ़ी, हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस थीम में। इसमें एक थोड़ा सा इशू हो गया था, इशू क्या था कि यहाँ पे हमने, आप नोट किया होगा, येलो का इफेक्ट दिया है, क्योंकि ये ऐसी सिटी है जहाँ रेड का काम बिल्डिंग्स में होता ही बहुत कम है, ना के मात्र, तो ये था तो रेड थी लेकिन हम लोग रेड कर नहीं सके, तो हमें इनको थोड़ा थोड़ा सा ग्रेश और येलो शेड देना पड़ा। ओके, तो ये वहां की पॉपुलर बिल्डिंग्स है, और इस थीम का नाम है
मैड्रिड सिटी, ये मैड्रिड का फुटबॉल स्टेडियम है, उम्मीद है आपको पसंद तो आ रहा होगा हमारा घर। ओके, ये थीम दूर से ही पता चल गया होगा। आई ये काफ़ी पॉपुलर सिटी है, ये भी ये है सिंगापुर, और ये सिंगापुर की वो शिप बिल्डिंग है, इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन किया गया जैसे शिप होता है, तो ये वो बिल्डिंग है। और ये वहाँ का जैंट व्हील जो झूला है वहाँ के वो है, और वहाँ की वैसे जो लोकेलिटी है वहाँ पे मशहूर बिल्डिंग्स हैं जो है वो हम बनाने की कवर की इसमें, ऐसे ही सभी थीम है। अभी एक रह गया है बाकी हमारा, वो है न्यूयॉर्क। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो काफ़ी सिंपल बनाया गया है क्योंकि वो कैबिन सबसे छोटा कैबिन है, हमने बड़ा सिंपल सा बनाया है, आपको दिखा देता हूँ। ये वाला इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, वैसे तो डिटेल वर्क ज़्यादा होता ही नहीं है इलस्ट्रेशन में, लेकिन इसमें बाकियों के मुकाबले काफ़ी कम है काम। और इसमें हमने खाली टेढ़ी मेढ़ी एक बिल्डिंग, सो जस्ट ये न्यूयॉर्क में क्या क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और वो ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को, और टैक्सी है वहाँ की जो येलो कलर की टैक्सी भी पॉपुलर, ये सब हमने बनाया। इसके अलावा हमने दो पिलर्स भी बनाए हैं, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पिलर है, और पिलर के हमने तीनों साइड ऐसे कवर किया है, हम आपको दिखाते हैं। इसमें बहुत सिंपल से डूडल वर्क से देखते हैं, और ये पिलर नंबर टू है, ये भी तीनों साइड हमने कवर किए हैं। सी काफी अच्छे डिजाइन थे, डिजाइन मोस्टली हमें कस्टमर ही प्रोवाइड करते हैं, और काफी अच्छी चॉइस है इनकी हमारे कस्टमर्स की।